किसान साथियों, जो भाई बरसात के साथ साथ सर्दियों की फसल लेना चाहते हैं, उनको क्या कार्य करने चाहिए और वो किस प्रकार संभव होगा, आइए शुरू करते हैं। किसान साथियों, ये देखिए इस पौधे पर कितने अमरूद हैं और कितना बड़ा नींबू के आकार का अमरूद हो गया है, अच्छी तरह देख लीजिए। किसान साथियों, ये वो पौधा है जिस पर मैंने पहले कल्लों की थिनिंग की थी और फिर फ्रूट की थिनिंग भी मैंने दिखाई थी। अब ये ललित का पौधा है और इस पर कितने बड़े अमरूद हैं, जो मुझे उम्मीद है कि जुलाई में ये अमरूद मुझे मिल जाएंगे खाने के लिए। अब मुझे इन पौधों से इस प्रकार, मेरे पास ये ललित, बर्फ खान, जी विलास और L49 के लगभग 170 पेड़ हैं जिन पर मैंने निश्चय किया है कि मैं इन पर सर्दियों की फसल भी लूँगा। अब मैं किस प्रकार लूँगा ये देखते रहिए। किसान साथियों, ये जो मैंने यहाँ से कटिंग की थी इसकी फरवरी में, ये कटिंग की थी, यहाँ से देखिए ये वाली कटिंग की थी और यहाँ से केवल मैंने एक शाखा, यहाँ से दो तीन शाखाएँ निकली थी, मैंने एक शाखा छोड़ी थी और इस पर ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9 अमरूद मेरे पास आए थे, लेकिन उन 9 में से मैंने 3 रखे हैं। और ये शाखा देखिए, यहाँ तक जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, लगभग 8वें पत्ते तक ये जो है ना पक गई है शाखा, इसके बाद ये काली है। अब इसके बाद देखते हैं 8, 9, 10, 11, 12 पर जाकर एक और शाखा निकली है और इस शाखा में देखिए आप ये फिर तीसरी पत्ती पर 1, 2, 3 तीसरी पत्ती पर 2 कलियाँ आई हैं और चौथी पर भी कलियाँ आई हैं। मैंने क्या किया कि इस शाखा को आगे से पिंच कर दिया। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है, जब मैंने इसे पिंच कर दिया तो क्या हुआ कि इसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ थी, जो वनस्पतिक वृद्धि थी, वो रुक गई और यहाँ से एक नए कल्लों का सृजन हुआ और ये मेरे सर्दियों के अमरूद होंगे। आइए मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। ये शाखा देखिए, इस पर मैंने केवल 2 अमरूद रखे थे, इसी प्रकार 8 पत्तों तक ये पक गई है और इसके बाद देखिए एक ये शाखा निकली है, इस पर भी कल्ले, नई कलियाँ आई हैं और इसके बाद ये शाखा निकली है, इस पर भी कलियाँ आई हैं और ये देखिए, ये मैंने आज ही सुबह इसको पिंच किया था। तो अब हम इसमें 2 काम करेंगे, एक तो जिन शाखाओं पर नई शाखाएं निकलकर कलियां दिखने लगी हैं, कोई न कोई कलियां अवश्य नजर आएगी अगर आप बरसात की फसल ले रहे हैं तो उनमें इतनी बड़ी बड़ी शाखाएं हो गई होंगी और उनमें एक द्वितीयक शाखा अवश्य निकलेगी प्रत्येक में 8 पत्तों के बाद, 9वें पर भी हो सकती है, 10वें पर भी हो सकती है और उनमें कलियाँ शुरू हो गई होंगी। ऐसी लगभग 50% से ज़्यादा शाखाएं होंगी तो उनमें क्या करना है आपको, जहां तक ये कलियां आई हुई हैं उसके ऊपर यहां से या तो आप कटर लेकर काट दीजिए या इस प्रकार तोड़कर डाल दीजिए। हमने इसकी वनस्पतिक वृद्धि ख़त्म कर दी और हमने सारी एनर्जी लगा दी कि आप हमें नए कलियां दीजिए और हमारे अमरूदों का ध्यान रखिए। ये तो हुआ पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि कुछ ऐसी शाखाएं होंगी, जैसे ये देखिए एक इस शाखा पर कोई भी फल नहीं है, तो मैं इसको क्या करूँगा कि इसको यहाँ से कट करूँगा, यहाँ से ये जितनी भी इसकी भूरी शाखा है मैं इसको रखूँगा और इसको यहाँ से कट करूँगा। इसके 2 फायदे होंगे। पहला फ़ायदा यह होगा कि यहाँ से नए कल्ले सृजित होंगे और जब वो नए कल्ले होंगे तो वो इतनी बड़ी होकर उस पर मेरे को आशा है कि सर्दियों की कलियां आएंगी। जो आपके ऐसे हैं जिन पर अमरूद नहीं है उनको ही कट करना है और जिन पर अमरूद हैं, जैसे ये देखिए 1, 2, 3, 4 कितने खूबसूरत अमरूद लगे हुए हैं। ललित मेरा सबसे फेवरेट अमरूद है, इस पर कितने अमरूद लगे हुए हैं। तो इस शाखा को आगे अगर ध्यान से देखें, इसमें अभी मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ जो ये कल्ले सर्जित हो रहे हैं 1, 2, 3, 4 इनमें से निकलेंगे, तो मैं इसको यहाँ से इसको
ऐसे ये पिंच कर दूंगा, ये मैंने पिंच कर दिया, इसे बोलते हैं पिंचिंग। मैंने इसका आगे का बढ़ना रोक दिया और यहाँ पर मैंने नए कल्ले सर्जित होंगे। इसे पिंच करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर मैं इसे यहाँ से काट दूँ, इसको कहते हैं डाई बैक, अगर मैं यहाँ से काट दूँ तो मेरे फलों को कम भोजन मिलेगा, चूँकि ये पत्ती भी भोजन बनाएंगी और मेरे फलों को धूप लगने से पौधे फल खराब भी हो सकते हैं। लेकिन जो पत्तियाँ जैसे कहते हैं ना बांझ हैं, जिनके जिन्होंने हमें कलियाँ नहीं दी है, उन्हें बेधड़क से और वो फलों के ऊपर नहीं है, उन्हें आप भूरी रख कर काट दीजिए, आपको फल मिलेंगे। आइए मैं और दिखाता हूँ। ये देखिए किसान साथियों, ये देखिए ये फूल जो आ रहे हैं, ये इस समय ये सर्दियों के फूल हैं, क्योंकि बरसात के अमरूद बन चुके, तो ये इंडिकेशन है कि आप पौधों को ध्यान से देखिए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आप पौधों की शाखाओं का अच्छी तरह निरीक्षण करिए, और अगर कहीं भी आपको नई कलियां नज़र आ रही हैं तो समझ लीजिए कि आपका सर्दी की फसल लेने का टाइम आ चुका है। एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ये विधि केवल उनके लिए है जो बरसात और सर्दियों की दोनों की फसल लेना चाहते हैं। किसान साथियों, जो इससे पहले 241 नंबर वीडियो मैंने बनाई थी और उसमें मैंने शेड्यूल दिया था दवाइयों को, उसका हालांकि उसे बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन जितनी फीडबैक मेरे को मिली है, जो लोग मेरे को फ़ोन कर रहे हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप लोग मेरे प्रेरणा स्रोत हैं इसके लिए, तो मैं ये अच्छा कहूँ। उन्होंने कहा कि त्यागी जी बहुत अच्छा किया कि आपने ये बताया। कुछ भाइयों ने ये भी पूछा कि मेरे बरसात के फल हैं, क्या मैं ये स्प्रे करूँ? नहीं करना है, सिर्फ जो नई कली आ रही हैं उन पर ही करना है। अब और देखिए, ये देखिए यहाँ पर कितनी कलियाँ हैं, ये देखिए कलियाँ ही कलियाँ आ रही हैं। तो इसको मैं यहाँ से, चूँकि बहुत ज़्यादा नहीं आएंगी, आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें इतनी भी ज़्यादा नहीं आए कि मैं इसको यहाँ से पिंच कर दूँगा, इसको रोक दूँगा। इस प्रकार जो बांझ हैं, जिन पर कोई भी अमरूद नहीं है, उनको आप गहराई से काटें, और जिन पर अमरूद है उनको पिंच कर दें। ये देखिए ये कलियाँ, कितनी कलियाँ हैं इस पर। तो ये हुआ, कल से मैं ये कार्य शुरू करूँगा, और मैं आज आपको दिखाना चाहता था। एक मेरे साथी हैं अमित भाटी जी, वो मुझसे बहुत प्रेम भी करते हैं, वो मुझे बहुत सम्मान भी देते हैं और मुझसे बहुत डिस्कस करते हैं, वो बहुत पढ़ते हैं और वैज्ञानिक की तरह सोचते हैं वो। तो आज ही मेरी सुबह बात हुई कि क्या आपने ये काम शुरू कर दिया, कि हाँ सर ये चीज़ें जो है ना होनी शुरू हो गई। किसान साथियों, ये था ललित का पौधा। अब मैं और एक पौधा दिखाऊँगा, जो मेरा एक और बहुत फेवरेट पौधा है, वो है श्वेता का, कि उस पर कितने अमरूद आए हुए हैं, कैसे अमरूद आए हुए हैं, और उनकी मैं किस प्रकार उनके लिए सर्दियों की फसल लूँगा। आइए किसान साथियों, ये मेरा एक श्वेता का पेड़ है जो मैंने बीच में छोड़ा हुआ है, और जो मैं नई बाग लगा रहा हूँ, नए पेड़ लगाए हैं, ये देखिए एक छोटा पेड़ है। तो अगले वर्ष इसे मैं सितंबर में इस पेड़ को उखाड़ कर, एक मेरा पेड़ ख़राब हो गया, वहाँ पर ले जाऊँगा। ये श्वेता का पेड़ है, बहुत फल आते हैं इस पर, देखिए आप फल देखिए इस पर कितने आए हुए हैं, ये देखिए। और ये फल मेरे थिनिंग करने के बाद हैं, आप ये देखिए यहाँ पर इस अमरूद को, एक दो तीन यहाँ पर फल थे, ये मैंने हटा दिए हैं, ये सब मैंने हटा दिए हैं। कहीं भी देखो तीन तीन फल आते हैं श्वेता और इस पे जो आपका ललित है, ये मैंने हटा दिए। किसान साथियों, मुझे बहुत लोग किचन वाले मेरे से पौधे मांगते हैं, तो मैंने ये सोचा कि उनके लिए मैं क्यों ना अपने आप पौधे तैयार करूं। गमले में कोई ग्राफ्टिंग वाला पौधा लगाने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, चूँकि वो व्यावसायिक उत्पादन के लिए है। तो जिन पर मेरे बहुत अच्छे फल लगे हुए हैं, आप इस पर अच्छी तरह ध्यान से देखिए, अगर आपके घर में एक पेड़ अच्छे गमले में ऐसा हो और इतने लगे रहें, ये पौधा सेप्टेम्बर में दो वर्ष का होगा, और देखिए कितने फल हैं इस पर। अब आप इस पर देखिए, आज अभी उसमें मैंने उसको बुलाया जो मेरा गुट्टी बना रहा था, मैंने कहा कुछ मेरे पौधों पर अमरूद के ये गुट्टी बांध दो, उसने ये गुट्टी बांध दी। जब इसमें एक 20-22 दिन में जड़ें निकल जाएंगी, मैं यहाँ से काट दूंगा और ये चारों फल मुझे मिलेंगे। इस प्रकार उसने करीब इस पर 20-25 गुट्टी बांधी है। मैं बहुत ज़्यादा पौधे नहीं रखना चाहता इसके, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ जगह
मैं दूंगा लोगों को जो मेरे को बहुत विश्वास करते हैं कि आप 5-5, 10-10 पौधे जरा लगाइए और देखिए ये कितने स्वादिष्ट और कितने अच्छे फल होते हैं। किसान साथियों, ये देखिए यहाँ पर, इसमें ये मेरी कटिंग थी जो मैंने फरवरी में की थी, और उसके बाद इसमें कल्ले निकले थे, मैंने सिर्फ एक रखा था यहाँ पर, और आप देखिए इस पर एक दो ही फल मैंने रोके हैं। इस पर अब इस पर नई ये चल गई हैं शाखाएँ, और इन शाखाओं पर भी अब फल आएंगे। इस पर अभी तक कोई फल नहीं है, कोई भी कली नहीं आई है। हो सकता है ये भी तीसरा पत्ता आ गया, इसमें कलियां नहीं आई हुई हैं, तो मैं इसको यहाँ से कट करूँगा, इसके बाद इसमें कलियां शायद आनी शुरू हो। ये देखिए, इसको पिंचिंग कर दूँगा मैं, इसको नहीं करूँगा चूँकि इस पर गुट्टी बंध गई है, इसको पिंचिंग कर दूँगा मैं इस वाली को। और इसकी लगभग हर शाखा पर है। पिंचिंग करने से आपको आपके फल को नुकसान नहीं होगा, और किसी भी तरह से आपको फलों का नुकसान नहीं होगा और फल ही फल मिलेंगे आपको। देखिए कोई शाखा ऐसी नहीं है, सिर्फ ये शाखा थी, एक ये शाखा है, एक ये शाखा है, एक ये, तीन शाखाएं हैं। इन पर तीसरी पर एक फल है, तो इन पर मैंने गुट्टी बंधवा दी और इनसे मेरे नए पौधे तैयार होंगे। तो इन पर मैं पिंचिंग करूँगा, और अभी तक मुझे इसमें कोई भी नया फल नहीं दिखाई दिया। मुझे उम्मीद है कि इस पर फल आने, कलियां आनी जल्दी ही शुरू होंगी। तो इस प्रकार आपको ये पिंचिंग करनी है। आइए मैं आपको एक पौधा और दिखाता हूँ। ये पौधा L49 का है, लखनऊ 49 का है, और ये 10x10 की लगभग 5-6 लाइनें हैं 10x10 पर जो रखी है मैंने, और बीच में मैंने नए पौधे लगा दिए। लेकिन जितने भी पौधे हैं सब पर अलग अलग शेप का अमरूद आता है, इसलिए मैंने इनको नहीं रखा, और इनको अगले साल इनकी जगह ये वाले जो पौधे हैं, दो पौधों के बीच में लगाए हैं, ये तैयार हो जाएंगे मेरे। तो इस पर देखिए, इस पर भी अमरूद आए हुए हैं, 1, 2, 3, 4 यहाँ से मैंने कट किया था, दो शाखाएँ रखी थी मैंने थिनिंग कर कर। ये देखिए, ये अगर आप देखोगे यहाँ से ये मैंने हटा दी थी। तो आप पौधे को अगर ध्यान से देखोगे, इसको ध्यान से देखिए कि इसमें प्रचुर मात्रा में हवा और धूप का आवागमन होता है, और जो फल हैं उनको जो उनकी आवश्यकता है उसकी धूप भी मिलती है, और उनके ऊपर छाया भी रहती है। अगर मैं सभी शाखाएं रख देता तो ये बहुत घना हो जाता, और मुझे फंगस की बहुत बीमारियों का सामना करना पड़ता। ये शाखा देखिए इसकी, ये बांझ है, बांझ का मतलब होता है इस पर कोई फल नहीं है। तो इसको मैं यहाँ से आराम से काट सकता हूँ, तो कल मैं इनकी कटिंग करूँगा। जो शाखाएँ जिन पर कोई भी फल नहीं है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि उसके नीचे बहुत ज़्यादा अमरूद नहीं होने चाहिए, ताकि उनको नुकसान हो, और उसको आराम से आप जहाँ तक पकी हुई हो वहाँ से काट दीजिए। तो यहाँ से नए कल्ले सर्जित होंगे और उन पर फल आएंगे। वैरायटी वैरायटी का डिपेंड है, इस पर कोई फल नहीं है, इसे मैं यहाँ से काटूँगा, यहाँ से बहुत छोटा काटूँगा। अगर आप देखो, मैंने इसकी इतनी गहरी कटिंग करी थी तब इस पर इतना बड़ा पौधा हो गया, और इसमें मैंने बेसल डोज बिल्कुल भी नहीं लगाई, इसमें मैंने केवल स्प्रे से काम किया था, और दो बार मैंने जो घुलनशील खाद हैं वो दिए थे इसमें। किसान साथियों, ये था मेरा प्रेजेंटेशन के पौधे से आप दो फसल किस प्रकार लें, और क्या समय है दूसरी फसल के लिए कार्य करने का। मैं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी अपने कैमरामैन जॉन कुमार के साथ आपसे इजाज़त लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।